गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र। दोस्तों मैं चंचुकुण आप सभी से बहुत बड़ी अपडेट्स लेके सामने आया हूँ। सबसे पहला अपडेट्स यहाँ पे आपके ये चल रहा है कि पटना हाईकोर्ट में हमारा जजमेंट रिजर्व है। उसका जजमेंट कैसा आएगा, क्या सक्षमता परीक्षा रद्द होगी या कुछ बदलाव होंगे, क्या बदलाव होंगे अगर बदलाव होंगे भी तो। दूसरी बात, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कल इंटर का रिजल्ट आया है। अब हमारे मन में सवाल उठ रहा है कि सक्षमता का रिजल्ट कब तक आएगा। इसके बाद आपके मन में ये भी सवाल है कि हमको शहरी क्षेत्र में ही जाना है, नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, एक रफ डाटा सर आप हमें बताइए ताकि हम आपको अपने आपको ये एवेल्यूट कर सके, देख सके हम किस अंक तक जा रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि जो आपका रिव्यू हो रहा है, क्वेश्चन पे चैलेंज हो रहा है, उस पर कितना आपत्ति हो रहा है, क्या सब क्वेश्चन चेंज होगा, क्या सबके मार्क्स प्लस माइनस होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा और हाईकोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सक्षमता के ऊपर, तमाम मुद्दों पर मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। आपको लास्ट तक देखिएगा, हर पॉइंट्स आप यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है हाईकोर्ट जजमेंट। आपको पता है बिहार में जितने भी शिक्षक संघ थे उन्हें पटना हाईकोर्ट में सक्षमता परीक्षा को चैलेंज किया। उनका कहना था कि हम दक्षता पास हैं, पात्रता पास हैं, हम एनसीटी के नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, तो हमें एग्जाम क्यों दे बार बार। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया और लगभग बहुत सारे केस में हर संघ की तरफ से किए गए। लेकिन सवाल यह है, क्या इस रिट पिटीशन के बदौलत एग्जाम रद्द होगा? तो इसका आंसर मैं आपको एक ही बार में कहना चाहूंगा कि एग्जाम विल नॉट बी कैंसल्ड, ओनली फ्यू चेंजेस, एग्जाम किसी की वजह से रद्द नहीं होगा। जी हाँ, ये पॉलिसी मैटर जिस सरकार का होता है, नीति बना सकती है अपने पावर का इस्तेमाल करके, और हाईकोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उनको पावर मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से कि नीतिगत फैसले ले सकती है शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए, उसमें हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बशर्ते वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। अब सवाल है कि चेंजेस क्या हो सकते हैं। चेंजेस आप लिखे हुए, जो चेंजेस हो सके संभावित है, यानी कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन एग्जाम रद्द तो नहीं होगा। क्या हो सकता है कि नियोजित कैडर विल बी अलाइव, फेल टीचर वुड नॉट बी टर्मिनेटेड, यानी नियोजित कैडर भी जिंदा रहेगा और जो फेल करेंगे उनको हटाया नहीं जाएगा। जी हाँ, यानी कि जो शिक्षक सक्षमता फेल भी करते हैं तो उनको उनकी सेवा से हटाया नहीं जाएगा। जैसा कि कमेटी बनी थी 3-4-5 सदस्य की, उसने फैसला लिया था कि 3 बार फेल करने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ ना हो के हाईकोर्ट इस पर अपना आदेश दे सकता कि जो फेल भी करेंगे वो नियोजित बन के पूरी सेवा दे सकते हैं और उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक मेजर बदलाव जजमेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम और देखते हैं कि यहाँ पे परीक्षा को भी ऑप्शनल किया जा सकता है। जिसको परीक्षा देना हो दे, जिसको नहीं देना हो ना दे, वो नियोजित बन के पूरी सेवा अपनी रह सकता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि आपके सब साथी पास करके राज्यकारी बन जाएंगे और आप नियोजित रह जाएंगे, अब खुद के अंदर घुटन महसूस होगी कि हम भी राज्यकारी बने, क्योंकि सवाल सब निकल जाएंगे और आप रह जाएंगे। तो ऐसे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्जाम देना चाहिए, ज़्यादा बेटर। एग्जाम से क्यों डरना, क्यों एग्जाम डरना, एक ही एग्जाम है। हाँ, इस एग्जाम को पास करने के बाद फिर हमें कोई एग्जाम आगे नहीं देना पड़ेगा ऐसा मानते, क्योंकि राज्यकारी बन जाएंगे तो फिर कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम है राज्यकारी बनने के लिए, जिसको आप लोग को देना चाहिए जिन्होंने नहीं दिया है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और हैं। यहाँ पे लिखा सक्षमता एग्जाम में भी ऑप्शनल, इसको ऑप्शनल किया जा सकता है, इच्छित देना दो, ये नहीं देना मत दो, आपको सेवा से नहीं हटाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे, इच्छित ट्रांसफर में भी बट नॉट श्योरिटी। हाईकोर्ट ने कोर्ट किया था पीके साई सर को कि आप सक्षमता परीक्षा तो ले रहे हैं, अब सवाल है कि आपका रिक्ति कहाँ है, जहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहा है वहाँ भी तो सीट खाली है ना, क्यों ना उसी स्कूल में उनको पोस्टिंग करा दी जाए। तो इसमें कोई जवाब नहीं था पीके साई के पास। तो ऐसे में यहाँ पे एक हम अनुमान कह सकते कि ऐसा हो सकता है कि एचसी ट्रांसफर का प्रावधान लागू किया जाए, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, ये पॉलिसी मेकिंग है। सरकार यहाँ पे कह सकती कि हम शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कुछ के लिए हम यहाँ पे शिक्षक का ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उनका संवर्ग बदल रहा है, उनका कैडर चेंज हो रहा है, पंचायती से वो राज्य कर्मचारी में जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो पॉलिसी होगा, जो हमारे फैसले होंगे, वो उन पर प्रभावी होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि ऐच्छिक ना हो, बट ऐच्छिक अनुमान हम कर सकते हैं, शायद इस तरह का प्रावधान हाईकोर्ट जजमेंट में देखने को मिल सके। हालांकि देखते हैं जजमेंट में क्या कुछ आता है, लेकिन हाँ एग्जाम तो किसी के वक्त पर नहीं होने वाला है। आगे सक्षमता 2.0 मे बी कंडक्ट बाय टेकिंग परमिशन ऑफ ईसी, यानी कि ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन से सक्षमता 2.0 का आयोजन किया जा सकता है। हो सकता है कि इसका विज्ञापन रिजल्ट के बाद जारी कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली जाए, क्योंकि अभी पूरे देश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में ईसी से परमिशन लेना जरूरी है कि हम सक्षमता का दूसरा चरण लाने जा रहे हैं, फॉर्म
फील करवाया जा सकता है। हो सकता है एग्जाम आपका चुनाव के बाद आयोजित हो, पर फॉर्म फिल करवाया जा सकता है, इसलिए परमिशन लिखिए। ऐसा हो सकता है जल्द के बाद सक्षमता 2.0 भी लॉन्च हो जाए, तो इसलिए आप सभी जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, मैं अपना रिव्यू कहना चाहूँगा सलाह कि आप एग्ज़ाम जरूर दें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो ऐसे में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया पास, क्योंकि प्रतिष्ठा समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यानी सरकार की नज़र उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, उनको लोग अच्छे नज़र से देखते हैं, जो कलंक था नियोजित का वो हट गया है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रतिष्ठा मिलेगी एग्जाम को देने के बाद, और कहें कि आप बीपीएससी के समतुल्य हो जाएंगे, बल्कि उनसे ज़्यादा आपको तवज्जो मिलेगी, क्योंकि अब मैं जो देख रहा हूँ जो सेवा सत्संग मिल रहा है वो विशिष्ट का एक कॉपी पेस्ट करके बीपीएससी को बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विशिष्ट को ज़्यादा प्राथमिकता भी दे रही है सरकार, क्योंकि उनको शहरी क्षेत्र भी दे रही है स्कूल के लिए, क्योंकि बीपीएससी को TR1 TR2 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मिला है, तो प्लस पॉइंट आपको ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आने के लिए। आइए हम देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पे सबसे हमारा मेन पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके मन में है, किस मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे, 90 आ रहे हैं, हमको शहरी क्षेत्र में जाना है। फॉर एग्जांपल हमारे एक मित्र राहुल जी है, उसके 110 प्लस मार्क्स आए हैं, वो छठे चरण से हैं, और लगभग हमारे छठे चरण जितने भी साथी सबके स्कोर लगभग मानता 100 प्लस में है, और इसके अलावा जितने भी उससे पहले एक शिक्षक है सबके स्कोर 100 प्लस में आ रहे हैं, और सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। फिर भी एक यहाँ पे रफ डाटा लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि इससे मैं ये आपको बता सकूँ कि किनको नगर निगम या नगर परिषद नगर पंचायत मिल सकता है। फिर से आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपके बहुत सारे सवाल इसी पर रहते हैं कि हमारे को शहरी क्षेत्र जाना है, नगर पंचायत जाना है, कितना मार्क्स चाहिए। देखिए जो अर्बन एरिया है शहरी क्षेत्र, उसका रेडियस 8 किलोमीटर का दायरा होता है, मतलब जिला मुख्यालय में, और जिला मुख्यालय में HRA हाउस रेंट अलाउंस 8% होता है, 8% के दायरे में आने के लिए जो जितने भी शहरी स्कूल वहाँ पे होते हैं, वहाँ पोस्टिंग के लिए, जैसे हमने लेटर देखा कल परसों आया था कि जो 8 अप्रैल तक स्कूल की रिक्ति मंगाई जा रही है, प्रविष्टि की जा रही है स्पेशल शहरी स्कूलों की, तो इसलिए की जा रही ताकि वहाँ की रिक्ति को देख के वहाँ पोस्टिंग की जा सके, जो कि नियोजित शिक्षक सक्षमता पास करेंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं युवा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फाइट है वो युवा में, यानी अनरिजर्व जिसे हम जनरल भी कहते हैं, उसका 100 प्लस रफ डाटा है, इसको कंफर्म मत मानिएगा, 100 प्लस प्लस माइनस 5, 95 हो सकता है, 105 हो सकता है, जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो श्योर रह सकते हैं कि हमको शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत मिल सकता है, वो श्योर हो सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हैं कि पोस्टिंग होगी तो उनको शहरी क्षेत्र मिलेगा। हाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, अभी वीडियो आप पहले सुन लीजिए, उनका जो हमारे ये है आनंद किशोर सर, जब उनसे सवाल पूछा गया कि रिजल्ट कब आएगा, उन्होंने कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आएगा रिजल्ट, लेकिन उन्होंने एक बात और सवाल जब पूछा गया कि जिला अलर्ट 7 होगा, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा सटीक जवाब ना देते हुए घुमा कहा कि जिला हम बाद में देंगे, पहले देंगे, और सॉफ्टवेयर से हम जिला देंगे, यानी कि जिला आपका सॉफ्टवेयर से दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि शिक्षा विभाग बहुत सख्त है जिला आवंटन को लेकर, यानी कि शिक्षा विभाग मेरिट कम चॉइस पे आपको डिस्ट्रिक्ट ही देगी, यहाँ पे कुछ भी आपको हेरा फेरी या कुछ भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग जब तक के पाठक सर यहाँ पे हैं, तो शिक्षा विभाग बिल्कुल बिल्कुल एकदम ईमानदारी से काम करते हुए जो जिला अलॉट आपको होगा वो बिल्कुल सॉफ्टवेयर से होगा, उसमें स्कूल प्रविष्टि भी की जा रही है शहरी क्षेत्र के, तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र है या फिर जो जिला अलॉट होगा वो सॉफ्टवेयर से होगा, और ये शिक्षा विभाग के आदेश से बिहार बोर्ड जिला अलॉट आपको करेगा, जब तक शिक्षा उनको आदेश नहीं देगा जिला अलॉट करने का, तब तक जिला अलॉट आपका बिहार बोर्ड नहीं करेगी, हालांकि आपको रिजल्ट दे सकती है, और अगर शिक्षा विभाग उनको आदेश कर देती है तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट और जिला साथ साथ आ जाए, या इसमें कुछ दिनों का अंतर भी हो सकता है, क्योंकि सवाल यहाँ पे के पाठक सर ने इस चीज़ को नोट किया है कि इस बार जिला आवंटन में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए जिला आवंटन बहुत सोच समझ के मेरिट कम चॉइस का आपको मिलेगा, जिसके मार्क्स बेस आपको जिला मिलेगा, ना कि आपको रैंडमली जिला मिल जाएगा किसी को जहाँ मनता, जिसके अच्छे नंबर होंगे उसको अपना जिला मिलेगा, बाकी जो क्वालिफाई करेंगे उसको हो सकता है कि अपना जिला ना मिलके बाकी दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है, या उसके अलावा भी जो पूरे बिहार में कहीं भी जाना पड़ सकता है। आइए हम बात करते हैं बीसी की, जनरल के पास सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ बीसी बैकवर्ड कास्ट में, यानी कि बीसी में, तो ये भी 95 प्लस श्योर रह सकते हैं अपने शहरी क्षेत्र के लिए, प्लस माइनस 5, इनकी 90 भी हो सकता है। देखिए रफ डाटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, एक अनुमानित मैं बता, जो मार्क्स मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ बच्चों के, स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पे
95+5 शहरी क्षेत्र नगर निगम नगर परिषद आपको इतने मार्क्स से बीसी के कैटेगरी को मिल सकता है, रफ डाटा है। ईबीसी जो है इनको भी 90+ में अपना शहरी क्षेत्र का स्कूल जो 8% इदारे में आता नगर परिषद नगर पंचायत हो या नगर निगम हो 90+ ईबीसी को मिल सकता है +-5 एंड +-5 का मतलब यहाँ पे यह है कि -5 घट भी सकते हैं +5 हो भी सकता है, यानी कि ये ईबीसी 90 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है 5 जोड़ने का। फीमेल 85+ शहरी क्षेत्र में श्योर रही है, फीमेल का 85+ में श्योर रह सकती हैं, कम वाले का बाय लक मिल जाए अलग बात है पर 85+ श्योर रह सकती हैं +-5। डिफरेंट ईयर दिव्यांग को 85+ +-5 आप देख सकते हैं श्योर रह सकती है। और एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो 80+ पे शहरी क्षेत्र नगर निगम नगर परिषद उनको मिल सकता है श्योर रह सकते हैं। एसटी का आप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, एसटी भी यहाँ पे कास्ट होती है, एसटी का आप मानते 70-75 यानी कि एसटी कैटेगरी भी 70-75 मार्क्स लाते हैं तो उनको शहरी क्षेत्र का स्कूल मिलेगा। क्वालिफाइड होने के कम नंबर पे कर जाएंगे लेकिन शहरी क्षेत्र का स्कूल के लिए उनको 70-75 नंबर उनको चाहिए जो शहरी क्षेत्र के स्कूल है उनको एसटी कैटेगरी लेने के लिए। तो ये थे आपके मार्क्स बेस पे आपको शहरी क्षेत्र कैसे मिलेगा, ये रफ डाटा ऐसा नहीं सिर्फ कम नंबर उसको नहीं मिलेगा, हो सकता है उनको मिल जाए या उसका इसमें कम डाटा चले जाए लेकिन हाँ इतने मार्क्स वाले कन्फर्म रह सकते हैं कि मैं इस बीच आ सकता हूँ और गारंटी में कि आ ही जाएंगे, कट ऑफ और बढ़ भी सकता है। देखने वाली बात होगी कि इतने मार्क्स ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं मैक्सिमम जो अभी डाटा लिया है इतने मार्क्स लोगों के आ रहे हैं तो इस बीच ये अपने आप को देख सकते हैं कि इनको शहरी क्षेत्र का स्कूल मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं रिजल्ट की, सक्षमता का रिजल्ट 1-5 अप्रैल तक आएगा क्योंकि अभी जो एक हमको जानकारी मिली है कि एक्सपर्ट पैनल बिठा देगा ये सब क्वेश्चंस को देखेगी कि बहुत से क्वेश्चंस गलत हैं तो उन गलत क्वेश्चन को एक्सपर्ट पैनल देखेगी। और एक दिक्कत यहाँ पे यह आ रही है कि जो रिव्यू कर रहे हैं क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं उनका पेमेंट डिडक्ट हो रहा है लेकिन उनको उनका वहाँ पे ई रिसिप्ट शो नहीं हो रहा, पे नाउ ही दिखा रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको जो पेमेंट कटा है वो ऑटो रिफंड हो जाए क्योंकि मैंने मेल किया था बीएसईबी को तो का जवाब था कि पेमेंट विल बी ऑटो रिफंडेड यानी पेमेंट आपको रिफंड किया जाएगा। बाकी मैंने भी चैलेंज किया है तो मुझे रिफंड अभी तक नहीं मिला, देखने वाली बात है कब तक मिलेगा। और आज लास्ट डेट है चैलेंज करने का, चैलेंज कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं आप 5 माइनस मान के चलिए अपना आपका जो स्कोर है उसमें आप 5 माइनस मानिए क्योंकि 5 आपकी घट भी सकते हैं और क्वेश्चन चैलेंज होंगे तो हो सकता है और लक अच्छा तो 5 बढ़ भी सकते हैं। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते कम है बढ़ते ज़्यादा है, ये आपके नंबर घटेंगे कम बढ़ेंगे ज़्यादा तो पॉजिटिव ये चीज़ है कि जिनके नंबर कम है 2-4 नंबर जो फेल हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ सकते हैं वो पास भी हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो ये एक बड़ा संकेत आप लोगों के जो कि 2-4 मंथ से रिजल्ट जिनका नहीं हो पाया है। आगे हम देखते हैं रिजल्ट विल डिक्लेयर बिफोर जैसे मैंने पहले बताया कि रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया जाएगा देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट विल बी अलॉटेड बाय सॉफ्टवेयर, जिला जो सॉफ्टवेयर से आपको मिलेगा पहले रिजल्ट आ सकता है दोनों साथ साथ आएगा लेकिन हाँ यहाँ पे शिक्षा विभाग की आदेश से ही बिहार बोर्ड रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉट आपको करेगा मेरिट बेस से पूरा मेरिट बेस होगा क्योंकि ऐसा दिखा गया जो टीआरई वन बेसिकली दिखा गया है कम मार्क्स थे उनको शहरी क्षेत्र का स्कूल मिल गया और जो ज्यादा मार्क्स थे उनको ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल मिल गया। तो ये चीज यहाँ पे ना रिपीट हो सक्षमता में इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि इनके मार्क्स ज्यादा उन्हीं को शहरी मिले ना कि कम वाले को शहरी मिल जाए, इसलिए जो जिला आवंटन है वो शिक्षा विभाग के आदेश पर बिहार बोर्ड करेगी उनका शासन कर दे या आगे पीछे कर दे। आगे देखेंगे ईडी, ईडी का मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट इज स्ट्रिक्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मेड कम चॉइस फॉर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट सख्त है क्योंकि जब से के पाठक सर आया तो देखते हैं शिक्षा बहुत सख्त है, आप देखिए बहुत छुट्टियां भी उन लोग को नहीं मिले। खैर इस पे इतना कहेंगे हम लोग उनके कर्मचारी जैसा उनका आदेश होगा वैसे हम लोग काम करेंगे क्योंकि हम लोग उनके कर्मचारी हैं वो लोग उनको वेतन देते जैसा वो कहेंगे वैसे हम लोग काम करेंगे। तो जो ईडी है एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत सख्त जिला अलॉटमेंट को लेकर यहाँ पे पूरी निगरानी की जा रही है कि जिला आवंटन बिल्कुल जेन्युइन को मिले, कम मार्क्स वाले को ना मिले यानी कि जिसका मेरिट अच्छा उसी को जिला मिले बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस मेरिट बेस से मिले, इसको विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जहाँ तक लक्ष्य है कि अभी तक जो है रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में डिक्लेयर की जाएगी और इसको लेकर तैयारियां भी कर दी गई, एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया, क्वेश्चन चैलेंज हो रहे हैं तो मे भी कुछ क्वेश्चन आपको सुधार होकर देखने को मिल सकता है। हाँ एक बात यहाँ पे और है कि हो सकता है कि फाइनल आंसर की ना आए आपका रिजल्ट ही राइट आ जाए और रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर क्या आए दोनों साथ साथ आए, इनके ऐसा नहीं होगा कि पहले फाइनल आंसर किया है फिर उसके बाद अगर फाइनल रिजल्ट आए, ज़्यादा गैप दोनों में नहीं होगा, दोनों पैरेलल ही चलेंगे एक साथ। तो ये सारी न्यूज़ अपडेट्स थी
और इतना मैं कहना चाहूंगा उन सभी शिक्षकों से, विशेषकर जो जिनका सिलेक्शन 2-4 मार्क्स नहीं पाया, कि इनके लिए मैं स्लोगन कहना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, क्यों थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपका कुछ मार्क्स सिलेक्शन रुका, आप तैयारी कीजिए, हो सकता है आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ के पास हो जाए। ये जो उन्हें एग्जाम नहीं दिया है उनसे मैं कहूँगा आप एग्जाम दें, क्योंकि जैसा न्यूज आ रहा है कि उन सबको जिन्हें एग्जाम नहीं दिया है उनको पटना बुला के उनके साथ डॉक्यूमेंट देखी जाएंगे, आपने एग्जाम की जिस पे नहीं दिया है उनके कागज वगैरह खंगाले जाएंगे, शिक्षा विभाग राजस्तर उनको बुला सकती है क्या वजह आपने एग्जाम नहीं दिया। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम दें, एग्जाम में डरिए मत, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। हाँ, बाद एग्जाम नहीं होगा, एक बार हो गया राजकर्मी बन गए, इस कैडर में लोग आ गए, बस हम लोग बिल्कुल समतुल्य हो गए राज्य कर्मचारी की, तो सब सुविधा हमको राज्यकर्मी की मिलेगी। और भविष्य में हो सकता है इन फ्यूचर कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाए, यानी फ्यूचर बहुत ब्राइट है राज्यकर्मी में आने के बाद, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो इसलिए एग्जाम जरूर दें सक्षमता 2.0। और होगा तो मैं इसकी तैयारी भी करवाऊंगा और प्रधान शिक्षक की मैं कुछ देख रहा हूँ कि कैसे मैं आपको हेल्प की तैयारी करवा सकूँ उस सब चीज़ों की, ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। तो ये सारी अपडेट्स थी, अगर आपको अच्छी लगी अपडेट्स तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, नए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।